अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरे दोस्त पे, इसने लगाई है मुझसे शार्ट, जिस वजह से इस पर पिज़्ज़ा चार्ज हो गया और अभी हम जा रहे हैं दरिया किनारे पिज़्ज़ा खाने के लिए। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा एक और दोस्त कालाबाग का भी हमारे साथ आएगा, वो हमारा वेट कर रहा है कालाबाग में। अभी हम जाकर उसको पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे दरिया किनारे और उससे आगे जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। तक A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम आ चुके हैं दरिया किनारे पे, अली हसन हमें मिल चुके हैं और हम आ चुके हैं अभी दरिया किनारे पे। यहाँ पे सैफ खान नियाज़ी पे पिज़्ज़ा चार्ज हो गया है, जिस वजह से हम अभी यहाँ पे आए हैं। तो शाम का टाइम है यहाँ पे और अभी इतना कुछ रश नहीं है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर, टिकट लेते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। चले सैफ खान नियाज़ी, टिकट लेते हैं। टिकट मिल चुके हैं हमें और तो ये गाइस देखें नाइट सीन दरिया किनारे का, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। तो गाइस हम दरिया किनारे के लाहौरी फूड स्ट्रीट में जा रहे हैं, और लाहौरी फूड स्ट्रीट में जाते हुए अभी यहाँ पे जाके हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने वाले हैं। पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के बाद एक खूबसूरत सी ट्रीट बनाएंगे, लास्ट हमारा कल से रोज़ा होने वाला है, फिर रोज़े पहले 30 दिन के लिए कैद हो जाता है, तो 30 दिन के लिए कैद हो जाएगा। ये देखें गोलगप्पे वाला और ये बर्गर वाला और ये छोटा सा टक शॉप, और अ फ्यू इंचेस लेटर ये जी दरिया किनारे का मेन्यू आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे अभी रकम इतनी ही है, यहाँ पे देख के डिस्कशन करके हम ऑर्डर करने वाले हैं। बस हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं उसका ऑर्डर रेडी होने का। तो मैं चाहूँगा कि मैं सैफ खान नियाज़ी का आज एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा कि सैफ खान नियाज़ी क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो सैफ खान नियाज़ी आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम है, ट्राई करने हैं, देखते क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? इसका एक्सपीरियंस है क्या? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसका माहौल वगैरह कैसा है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये जी पिज़्ज़ा आ चुका है और ये दोनों भी रेडी हैं, और बजाते खुद मैं हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सैफ ने अपनी डील दे चुके हैं और हम अभी ये डील उनकी स्टार्ट करने वाले हैं, और हम एक्सपीरियंस करेंगे कि दरिया किनारे का पिज़्ज़ा कैसा होता है। हमने ये दोनों लगे हुए हैं, मैं खुद बजाते खुद एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि क्या होता है इनका सिस्टम, पहले कभी भी चेक नहीं किया है। मज़ा आया जाएगा। तो ये जी टुकड़े इन्होंने काट दिए हैं और मैं अपना टुकड़ा मेरे पास भी पहुंच चुका है। तो गाइस फाइनली हमने सैफ भाई की ट्रीट देख चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे इनका जो है रेसिपी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। और फाइनली हमारा नामा अमाल आ चुका है, अली भाई चेक करें नामा अमाल क्या है और हमें भी दिखाएं। आपकी मुस्कुराहट से लगता है, पहले मुझे देखो आपकी मुस्कुराहट से लगता है कि बिल काफ़ी ज़्यादा आया है, देखते हैं कितना आया है। वो ये नहीं, आपका नाम आया माल और आपके कारनामों का ये फल है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सही भाई टिप कितनी दे रहे हैं? टिप क्या होता है? टिप वही जो आप लेते रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं, अभी हमने ट्रीट वगैरह खा लिया है और सैफ ने एक पिज़्ज़ा पैक भी करा लिया है, जो घर जाकर सोने से पहले ये खाएगा। तो आज भाई कल से रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, और उससे पहले की रात हमने नाइट सही करके बना ली है और अभी हम निकलने लगे घर की तरफ, जहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दरिया के किनारा है। बिल्कुल क्या कर रहा है ये सैफ ही, क्या कर रहा है? बड़ा हरामी हो और ये नेक्स्ट जेन वालों की रेडियां देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे छोले बेचते हैं, कोई छोले बेचता है, कोई क्या बेचता है। A few minutes later. तो गाइस हम सारी ट्रीट वगैरह खा के दोबारा से जलालपुर पे आ चुके हैं और ये हमारा पार्सल पिज़्ज़ा भी अभी तक ठंडा हो चुका है, अली को भी हमने घर छोड़ दिया था और अभी हम घर पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।